गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको तो थंबनेल और टाइटल को देख के मेरा वीडियो आज का क्या है पता चल गया होगा। स्टिल मैं बता देती हूँ, आज मैं फ्लिपकार्ट का मेकअप हॉल शेयर करूंगी। मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ली थी फ्लिपकार्ट से, तो चलो मैं सारे प्रोडक्ट्स को दिखा देती हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल बटन को भी क्लिक कर दो। सो फर्दर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी सारे के सारे चीपेस्ट प्रोडक्ट है गाइस। सारे के जो प्राइस है वो बहुत ही चीप प्राइस में मैं ली, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा आई होप। सो चलो एक एक करके चार सारे प्रोडक्ट्स को दिखा देती हूँ। सो वो बॉक्स है ये, इसमें है प्रोडक्ट सारे मैं ली थी जो। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। फास्ट मैं दिखाऊंगी, मैं प्राइमर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेकअप तो स्टार्ट होता है प्राइमर से। तो मैं पहले एक प्राइमर ली, ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर गाइस। ये मुझे चार प्रोडक्ट का कॉम्बो में रिसीव हुआ है, चार प्रोडक्ट अराउंड मुझे 400 समथिंग में मिल गई है। सारे प्रोडक्ट को तो दिखाऊंगी लेकिन प्राइस एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, तो प्लीज चेक करते रहना एंड वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखो एंड इसे एंजॉय करो, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी यहाँ पे मिला है 30 ml का प्रोडक्ट एंड ये 3-in-1 का प्राइमर है। इसमें आपको मॉइस्चराइजर अलग से यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसपे मॉइस्चराइजर की प्रॉपर्टीज है। एंड इसका MRP की बात करूँ तो MRP है 275 rupees एंड सेल्फ लाइफ है 2 years। तो आपको तो पता है प्राइमर को कैसे यूज करना चाहिए, तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है एंड इसका पैकेजिंग भी बिल्कुल मस्त सा ही है, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, देख सकते हो। ये है वो प्रोडक्ट एंड इसे मैं थोड़ा सा इसे ब्लेंड करके भी दिखाती हूँ, कितनी स्मूथ फिनिश आ रहा है ये। ये आपके मेकअप को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ साथ फ्लॉलेस भी बनाएगा गाइस मेकअप को, बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया है। देखो मुझे अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रहते। प्रोडक्ट्स मैं आज दिखा रही हूँ गाइस सारे के सारे आपको इनसाइड कॉस्मेटिक्स की तरफ से ही मिल जाएगा गाइस। मैं बहुत ही चीजें इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही ली हूँ। सो आप चलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन। इस पे 15 भी आपको मिल जाएगा। इसका क्वांटिटी है गाइस 20 ml का प्रोडक्ट है इसमें एंड इसका प्राइस है 200 rupees एंड इसका सेल्फ लाइफ है 2 years। सो इसमें मेरा जो शेड है रोज बेस, इसमें भी बहुत सारे शेड ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड को चूज करना। सो ये कुछ इस टाइप का है पैकेजिंग, देख सकते हो बिल्कुल ड्रॉपर सा पैकेजिंग है इसका एंड ये बिल्कुल इस तरह से ओपन होता है एंड ये ड्रॉपर की जैसा है आया है यहाँ पे। ये इससे आप थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरी हैंड पे लगा दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा इसका फिनिश है। सो सी गाइस, ये तो अगर मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मेरी स्किन टोन है गाइस। आप अपने अकॉर्डिंग स्किन शेड को चूज करो, बहुत सारे शेड अवेलेबल हो जाता है एंड इसका भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से, ये बिल्कुल फुल कवरेज नहीं है, ये मीडियम टू शेयर कवरेज देगा आपको एंड इसका ब्लेंडेबल क्वालिटी भी अच्छा है। तो प्रोडक्ट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये इनसाइड का HD लूज पाउडर। इसमें भी आपको और एक वेरिएंट का भी लूज पाउडर मिल जाएगा लेकिन मैं ये वाला ली हूँ। इसका भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हो जाता है। मेरा जो शेड्स है वो है 12 ivory एंड इसका MRP है 140 rupees एंड सेल्फ लाइफ है 2 years। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी की तो इसमें दिया गया है 30 ग्राम का प्रोडक्ट जो कि ठीक ठाक है देखो एंड ये इस तरह से ओपन होता है एंड इसमें है एक पफ दिया गया है। ये यहाँ पे एक पफ है एंड इसमें आपको इसे ओपन करने के बाद इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसा है। सो सी गाइस, ये कुछ इस टाइप का है, मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए इतने अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो रहा है। बिल्कुल ये मैटिफाइंग कर देगा आपके मेकअप को, बहुत ही अच्छा वाला मुझे लगा ये वाला जो लूज पाउडर है वो बहुत मुझे अच्छा लगा। इसका भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हो जाता है, आपको जो शेड चाहिए आप उस हिसाब से परचेस कर। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो आपको पता होगा गाइस, इसी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक बनता है एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ।
नेक्स्ट मैं ली हूँ एक इनसाइड कंसीलर पैलेट। इसमें आपको मिल जाएगा 6 शेड्स मिल जाएंगे कॉरेक्टर की, एंड इसमें एक दो कंसीलर का भी शेड है। ये कुछ अंदर की तरफ से इस टाइप का है, एंड इसका MRP है 199 रुपीज एंड सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स, एंड इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको 50 ग्राम का प्रोडक्ट। तो इसमें आपको करेक्टर अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हैंडी लगेगा गाइस आपको यूज करने में, बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। एंड ये कुछ इस टाइप से ओपन होगा, इसमें देखो वेरियस शेड अवेलेबल है, आपको जो शेड का करेक्टर चाहिए आप यहाँ से इजीली यूज कर सकते हो। तो सी इसमें एक तो कंसीलर का भी शेड है जैसा कि मैं दिखाई हूँ। सो यस दिस इज द प्रोडक्ट, एंड जो भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ सारे के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको लेना हो तो आप जाके वहाँ से चेकआउट करना, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो गाइस सभी प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, सो प्लीज वीडियो को एंड तक कंटिन्यू करो, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको ठीक से पता नहीं चलने वाला, ठीक है। सो वीडियो को स्किप मत करो। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये आई शेडो पैलेट, बहुत ही प्यारा सा एक मिनी आई शेडो पैलेट है गाइस। ये भी इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही है, एंड इसका प्रोडक्ट दिया गया है 30 ग्राम्स का प्रोडक्ट, एंड इसमें आपको सेल्फ लाइफ मिल जाएगा 2 ईयर्स का, एंड इसका MRP है 230 रुपीज। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मुझे बहुत ही सस्ता मिला है गाइस। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, ये कुछ इस टाइप का है प्रोडक्ट, देख सकते हो। इसमें आपको सारे के सारे जो है ग्लिटर्स का सेट मिल जाएगा, इसमें मैट शेड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्लिटर से यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के यहाँ पे ग्लिटर आपको मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा प्यारा शेड से। अगर आपको बहुत बड़ा बड़ा आई शेडो पैलेट पसंद नहीं है तो आप मिनी पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू मस्ट ट्राई इट गाइस। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज दिखा रही हूँ सारे बिगिनर्स फ्रेंडली का प्रोडक्ट है, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जिन लोगों का बजट थोड़ा कम है तो डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करो, एंड प्रोडक्ट्स वाकई अच्छा प्रोडक्ट है, चीप बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है गाइस। इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा है, एंड उसके साथ ये वाला जो मैं कॉम्बो के बारे में बता रही थी उसके साथ मुझे ये लाइनर भी रिसीव हुआ था इनसाइड कॉस्मेटिक्स की तरफ से। ये गाइस स्मच प्रूफ या वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, सो आप इसे ऐसे नॉर्मल आईलाइनर जैसा यूज कर सकते हो, ये वाटर प्रूफ या स्मच प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया वाला पिगमेंटेड वाला आईलाइनर है, ये उस पे यूज कर सकते हो। क्योंकि एवरीडे में हमें वाटर प्रूफ या तो ऐसे स्मच प्रूफ लाइनर की जरूरत नहीं होता है, तो तब आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ये मार्क्स कॉस्मेटिक्स का 4-in-1 ब्राउ किट, इसका MRP है 19 रुपीज एंड इसका सेल्फ लाइफ है 4 ईयर्स, एंड इसका प्रोडक्ट नेट क्वांटिटी है 8 ग्राम के प्रोडक्ट। इसके भी बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाएगा यूज करने में गाइस, बहुत ही अच्छा वाला ये प्रोडक्ट है। इसमें आपको 4 अलग अलग तरह के शेड मिल जाएंगे ब्राउ को फिलअप करने के लिए, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, एंड इसका पैकेजिंग भी बहुत ही प्यारा पैकेजिंग में आया है। देखो गाइस इसमें 2 स्पूली एंड 1 ब्रश दिया गया है, 2 ब्रश भी दिया गया है इसे अप्लाई करने के लिए, एंड देखो इसमें 2 ब्राउन का शेड है एंड 2 ब्लैक का शेड है, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा इसे यूज करने के बाद, एंड ये भी मुझे काफी अच्छा लगा प्रोडक्ट। सो ये भी अफोर्डेबल रेंज में ही आ रहा है गाइस, सारे के सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है। अगर आप बिगिनर्स हो एंड आपको कुछ अच्छे मेकअप चाहिए तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, सो डेफिनेटली इस वीडियो को देखो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैं ली थी 2 आई शेडो पैलेट फ्रॉम हुदा गर्ल, एंड ये पैलेट हुदा ब्यूटी का जो ओरिजिनल पैलेट है उसका ड्यूप है गाइस। अगर आपको वो बड़ा कॉस्टली वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये मुझे ओनली 200 या 300 के अंदर अंदर ही मिल गया है, एंड ईच में 18-18 शेड ऑफ प्रोडक्ट्स अंदर की तरफ, इसका अंदर का पैकेजिंग कुछ इस टाइप का है गाइस देखो, एंड अंदर की तरफ से ये आपको एक मिल जाएगा, एंड इसमें सारे के सारे जो मैट शेड है वो अवेलेबल हो जाएंगे देखो। एंड प्रोडक्ट है ये भी ट्रेवल फ्रेंडली ही है, इसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, एंड नेक्स्ट जो आई शेडो है उसे भी मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप का है अंदर की तरफ से देखो, इसमें सारे आपको न्यूड्स एंड ग्लिटर्स मिल जाएंगे, सारे ग्लिटर्स एंड न्यूड्स, कितने प्यारा प्यारा शेड है देख सकते हो। मैं एक दो शेड को स्वॉच करके दिखाती हूँ आप लोगों को, सो मैं यहाँ पे एक ग्लिटर शेड को ही स्वॉच करके दिखा रही हूँ, येलो कलर का।
सो इतने ज्यादा पिगमेंटेड है गाइस, सी बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है ये वाला शेड। एंड ये वाला पैलेट से भी मैं एक कलर को पिक करके दिखा रही हूँ आपको गाइस। ये भी कितनी ज्यादा पिगमेंटेड है गाइस, देखो चिपेस्ट वाला प्रोडक्ट है लेकिन वैल्यू फॉर मनी। सो गाइस अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बॉटिस्टी का ड्राई शैम्पू। ये ड्राई शैम्पू है गाइस, अगर आपके हेयर ग्लॉसी है, वॉश करने के बाद थोड़ा चिपचिप हो जाता है एंड आपके जो स्कैल्फ अगर ऑयली है, आप इंस्टेंटली कहीं पे जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। इसे सिंपली आपको हेयर के रूट्स पे यूज़ करके इसे सिंपली मसाज करना है एंड कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसे कोम करके आप कहीं पे भी जा सकते हो। ये आपके हेयर को बाउंसी बनाने के साथ साथ आपके हेयर पे एक अलग सा शाइन भी ऐड कर देता है। बहुत ही अच्छा वाला मुझे लगा। प्रोडक्ट का क्वांटिटी है 30 ग्राम एंड इसका प्राइस जो है वो तो 349 है इसका MRP, लेकिन ये आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा एंड इसका सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। सो सी नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये जो कॉम्बो की बात कर रही थी, उसमें मुझे मिला था एक मेकअप फिक्सर। सो ये भी इनसाइड कॉस्मेटिक्स की तरफ से है। इसमें आपको मिल जाएगा 75 ml का प्रोडक्ट एंड इसको मिल जाएगा 190 rupees में एंड इसका सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। एंड गाइस सी ये कुछ इस टाइप का है, छोटू सा बोतल है, बहुत ही प्यारा सा है, व्हाइट कलर का बोतल। इसे शेक करते हुए आपको यूज करना है, तो पता है कि फिक्सर को कैसे यूज करना चाहिए, वैसे ही यूज करना है। मेकअप करने के बाद सिंपली इसे शेक करने के बाद इतनी दूरी से आपको इसे स्प्रे करना है फेस पे। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके दिखाऊं तो प्लीज कॉमेंट मी बिलो। प्रोडक्ट है ये दो लिपस्टिक के बिना तो परचेस डेफिनेटली अधूरा है गाइस। कुछ भी ले लो, अगर लिपस्टिक ना लो तो डेफिनेटली परचेस अधूरा रह जाएगा। तो मैं ये दो लिपस्टिक ली हूँ, एक इनसाइड कॉस्मेटिक्स से एंड एक मार्स कॉस्मेटिक्स से। तो मैं पहले इनसाइड कॉस्मेटिक्स का दिखा देती हूँ। इसका प्राइस है 120 rupees। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर अफोर्डेबल है। अगर आप लोग हो बिगिनर्स एंड आपको कुछ वाटरप्रूफ लिपस्टिक चाहिए, लिक्विड लिपस्टिक बजट फ्रेंडली का, तो डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट को एक बार ट्राई ज़रूर करो। एंड इसका सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स एंड इसमें मेरा जो शेड है वो है टॉप नॉच। मैं इसका प्रोडक्ट को खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप का है, बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग है इसका। एंड मैं इसे थोड़ा सा मेरी हैंड पे अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ गाइस। इसका शेड आप देखो बस, कितना प्यारा शेड है गाइस। सी ये वाला जो शेड है कितनी प्यारा शेड है, ये भी मुझे अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट जो मैं ली थी मार्स का लिप क्रेयॉन इन दिस शेड गर्ल पावर, ये भी आपको बजट फ्रेंडली ही है। ये भी आपको 229 में ही मिल जाएगा। इसमें भी आपको 3.5 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है। इसमें ऑलरेडी मैं दो शेड्स ऑलरेडी ली हूँ गाइस, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि मैं इसका और एक शेड परचेस कर ली हूँ। सो ये वाला शेड भी बहुत ही प्यारा सा एक ब्राउन कलर का शेड है। सी इतना प्यारा सा ब्राउन कलर का शेड है। ये आप डेली यूज कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस में कुछ लिपस्टिक ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ये शेड मस्ट आपको यूज करना है। एंड ये स्मच प्रूफ है, इसे लगाने के थोड़ी देर बाद ये स्मच नहीं होता है, स्मच प्रूफ हो जाता है। सो गाइस ये थी वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, सारे का सारा प्रोडक्ट्स। आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जरूर से मुझे बताओ एंड मेरे वीडियो को लाइक प्लीज करके जाना गाइस एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करो। मैं प्रीवियस में बहुत सारे फ्लिपकार्ट के हॉल्स, प्रोडक्ट की रिव्यूज एंड मेकअप वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बना चुकी हूँ गाइस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो प्लीज डेफिनेटली जाके वो वीडियो को चेक कर लो। वो वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में दे दी हूँ, जाके जरूर से उसे चेक कर लेना। अगर मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज जाके जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।